हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के गांव हैबतपुर के पास दोपहर एक्टिवा और इनोवा कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। इसमें एक्टिवा सवार महिला की मौत हो गई। महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामला दोपहर बाद का है। यमुनानगर से हैबतपुर जा रहे रास्ते पर तेज गति से आ रही इनोवा कार ने एक्टिवा सवार महिला को जबरदस्त टक्कर मार दी। इसके कारण एक्टिवा पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और महिला का शव बुरी तरह से कुचल दिया गया। मृतका की पहचान 45 वर्षीय सर्वजीत कौर के रूप में हुई है। वो दो बच्चों की माँ थी। उसके पति जसवंत सिंह की 4 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। मृतक महिला सर्वजीत कौर यमुनानगर के आजाद नगर चौधरी कॉलोनी गली नंबर 3 की रहने वाली थी। वो अपने घर से एक्टिवा पर सवार होकर साढ़ौर किसी जरूरी काम से जा रही थी। सर्वजीत कौर की मौत से परिवार में हाहाकार मचा है। थाना साढ़ौरा को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए जगाधरी के सिविल अस्पताल में भेज दिया, जहां डॉक्टरों की ओर से मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम किया गया। साढ़ौरा थाना पुलिस कर्मचारी तेजवीर सिंह ने बताया कि उन्हें दोपहर बाद फोन पर सूचना मिली थी कि एक एक्टिवा और इनोवा कार की टक्कर हो गई। इस सूचना पर वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोपहर बाद ही महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचा दिया था। पुलिस की ओर से धारा 174 के तहत कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है और कार मालिकों की तलाश की जा रही है। जो भी इस मामले में कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। ये आज क्या हुआ, हादसा हुआ? ये कल हादसा हुआ था, मेरी बहन कहीं जा रही थी, वहाँ उसके साथ का गाड़ी एक रफ्तार में आई, उसी की सीट के इतनी दूर 100 की स्पीड में थी, इतनी स्पीड लेके गाड़ी रुकी नहीं है, उसके नीचे ही पूरी 100 काफी 10-12 फुट की दूर लेके गए, जब नीचे दब गई वो गाड़ी वाले छोड़कर भाग गए। तो क्या नाम है आपकी सिस्टर का? सरबजीत। कितनी उम्र है? 45 साल। कितने बच्चे हैं? उसके 2 लड़के हैं। तो क्या हाउस वाइफ है या कहीं काम वगैरह करते? नहीं, हाउस वाइफ है। ये कहाँ जा रहे थे जो घर से जो हादसा हुआ? संडोरे जा रहे थे। तो किस कौन सी गाड़ी के साथ हुआ हादसा? इनोवा गाड़ी के साथ। तो इनोवा गाड़ी, क्या पुलिस को आपने कोई शिकायत दी है? तो इसको गाड़ी को कंप्लेंट उसी टाइम हो गई है, कंप्लेंट की है, पुलिस आकर वहीं से गाड़ी को ले गए हैं। तो क्या लगता है कि क्या ये हादसा जो हुआ क्या किस कारण से हुआ? क्या नशा वगैरह कर रखा था उन्होंने? गाड़ी वालों ने 100 की स्पीड चला रहे नशा किया ही होगा, 4 जने थे, उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं, पूरी इसी स्पीड से पेड़ से टकरा के जब रुकी है, नहीं तो वह गाड़ी रोक ही नहीं रही थी, सारी कसीट कसीट के लेकर चले गए। एक्टिवा भी साथ में नीचे तक मुश्किल से निकाली है। एक्टिवा गाड़ी के नीचे फंस गई, बिल्कुल खत्म हो गई, पूरी खत्म हो गई, उसके नीचे उसको कसीट के काफी दूर टक्कर हुई, पक्की सड़क से कच्ची सड़क के नीचे ले गए टक्कर। तेजवी जी, क्या मामला था, कहाँ एक्सीडेंट हुआ? ये गांव हैबतपुर के पास एक्सीडेंट हुआ है कल दोपहर को, और इनोवा गाड़ी से एक एक्टिवा चालक थे, तो लेडीज़ को हमने कल ये पहुँचा दिया था हॉस्पिटल में, अब FIR दर्ज कर दी है और एक कुछ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो पता चला कुछ गाड़ी कहाँ की? गाड़ी तो छोड़ के भाग गए थे मौके पर ड्राइवर, अब उसके बाद उसको पकड़ेंगे ड्राइवर को और सब कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।